Hi there friends, assalamu alaikum and welcome back to my YouTube channel. I am back with another video. और आज के वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करेंगे स्किन टाइप पे और अकॉर्डिंग टू आवर स्किन कंडीशन हमें किन प्रोडक्ट्स को अपनी स्किन केयर में ऐड करने की ज़रूरत है और किन को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है. सो काइंडली कोई भी प्रोडक्ट बाय करने से पहले आप लोग अपनी स्किन टाइप और स्किन कंडीशन को लाजमी जाने, क्योंकि अगर आपको अपनी स्किन टाइप और स्किन कंडीशन का नहीं पता होगा तो आप कोई भी मॉइस्चराइजर अप्लाई करें उससे आपकी स्किन में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्किन टाइप के उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखेंगे कि आपको किस टाइप का मॉइस्चराइजर चाहिए, कौन सा एक्टिव इंग्रेडिएंट आपको अपनी स्किन केयर में ऐड करने की ज़रूरत है, कौन सा आपको क्लेंजर या फेस वॉश अपनी स्किन केयर में ऐड करने की ज़रूरत है, एंड लास्टली बट नॉट लीस्ट सनस्क्रीन और सनब्लॉक इसका लाजमी होना कंपलसरी. अगर आप कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज़ करें, मतलब अगर आप एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं भी यूज़ कर रहे तब भी सनब्लॉक और सनस्क्रीन आपकी स्किन केयर में मस्ट होने चाहिए, वो बॉय हो गर्ल हो इससे कोई इशू नहीं है, बट सनस्क्रीन मस्ट अप्लाई होती है जब भी आप बाहर जाते हैं. इवन के सनी डेज़ में तो आप लोग अगर अंदर घर में भी हैं तो आप लोगों को लाजमी सनस्क्रीन अप्लाई करनी चाहिए. विदाउट वेस्टिंग टाइम मूव ऑन द वीडियो, और आप लोगों को सबसे पहली जो फर्स्ट थिंग आप लोगों को बताना चाहिए वो ये होना चाहिए कि स्किन टाइप एंड स्किन कंडीशन ये दोनों ही डिफरेंट चीज़ें हैं और इन दोनों को डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है. सबसे पहले अगर हम लोग स्किन टाइप की बात करें तो हमारे पास बेसिकली 5 तरह के स्किन टाइप्स हैं. नॉर्मल स्किन, ड्राई स्किन, नॉर्मल टू ड्राई स्किन, आई मीन कॉम्बिनेशन स्किन, ऑयली स्किन एंड सेंसिटिव स्किन. अगर तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं नॉर्मल स्किन की, तो नॉर्मल स्किन के जो पीपल्स होते हैं ना, दे आर वेरी लक्की, क्योंकि इनकी स्किन जो होती है ना वो ना ही तो ओवर रिएक्ट करती है ना ही तो अंडर रिएक्ट करती है. जब भी हमारी स्किन का एक्सपोजर होता है हमारे इन्वायरमेंट के साथ, सन के साथ, किसी भी चीज़ के साथ, किसी भी प्रोडक्ट के साथ. सेकेंडली अगर हम लोग ड्राई स्किन की बात करें तो ड्राई स्किन का बेसिकली ये होता है कि जो हमारे सस्पिशियस ग्लैंड्स होते हैं ना, जो हमारे स्किन में नेचुरली मॉइस्चराइजर प्रोड्यूस करते हैं, वो बहुत कम वर्क करते हैं, और जो क्लाइंट्स होते हैं वो इनफ सीबम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, जिस वजह से हमारी स्किन जो होती है ना वो हमें टाइट फील होती है, उस पर इंचीनेस फील होती है. हाँ, ड्राई स्किन का वन बेनिफिट है वो ये है कि आपके जो पोर्स होते हैं ना वो बहुत ही मिनिमल होते हैं, मीन के स्मॉल होते हैं. लाइक अगर इफ़ यू हैव ऑयली स्किन, अगर हम लोग थर्ड नंबर पर ऑयली स्किन की बात करें तो ऑयली स्किन में ये होता है कि जो हमारे सस्पिशियस क्लाइंट्स होते हैं ना वो बहुत ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, और जिस वजह से हमारी स्किन ऑयली, शाइनी, ग्रीसी टाइप फील होती है. नंबर 4 पर अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास आता है जो नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन, आई मीन कॉम्बिनेशन स्किन टाइप. जो कॉम्बिनेशन स्किन टाइप होते हैं ना, ये बहुत ही ट्रिकी है अंडरस्टैंड करने में, क्योंकि इसमें जो हमारा टी जोन एरिया होता है ना वो सारा ऑयली होता है, जबकि जो हमारा रिमेनिंग फेस होता है ना वो बिल्कुल ड्राई होता है. बिल्कुल ड्राई नहीं, बट वो ड्राई होता है, लेकिन टी जोन एरिया जो होता है ना वहाँ पर ऑयल काफ़ी प्रोड्यूस होता है. तो इन लोगों के लिए जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना काफ़ी ट्रिकी होते हैं, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स अपने टी जोन एरिया में वो अप्लाई कर रहे हैं या इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं, वो उनके बाकी के फेस पे फुलफिल नहीं होंगे. इसी तरह अगर हम लोग बात करें सेंसिटिव स्किन की, तो सेंसिटिव स्किन वाले कोई भी प्रोडक्ट इनडायरेक्टली और डायरेक्टली अपने फेस पे, तो कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट तो मस्ट है कि वो नहीं ऐड कर सकते, क्योंकि जो सेंसिटिव स्किन वाले लोग होते हैं ना उनकी स्किन बहुत ईजिली रिएक्ट कर जाती है कि आपने अप्लाई किया कोई चीज़ एंड आफ्टर 1 to 2 minutes यू कैन गेट ब्रेकआउट, इचिंग एक्सेट्रा. मीन कि आपकी सेंसिटिव स्किन पे आप कोई भी चीज़ डायरेक्टली अपने फेस पे अप्लाई नहीं कर सकते, आपको पहले पैच टेस्ट लाजमी करना होता है. सो बेसिकली दीज आर द 5 टाइप्स वी हैव बेस्ड ऑन द सीबम प्रोड्यूस बाय और सस्पिशियस ग्लैंड्स. बट अगर हम लोग बात करें यहाँ पे स्किन कंडीशन की, तो स्किन कंडीशन जो होती है वो हमारी अपीयर होती है जब भी हमारी स्किन होता है उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्टली कॉन्टैक्ट होता है इन्वायरमेंट के साथ, सन के साथ. इसके रिजल्ट में हमें कुछ इश्यूज़ होते हैं लाइक पिगमेंटेशन, समथिंग लाइक सन टैन एक्सेट्रा. देन इनको ट्रीट करने के लिए आपको कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट अपनी स्किन केयर में ऐड करना पड़ता है, उसके बारे में अब हम लोग बात करेंगे. अगर तो हम लोग यहाँ पे बात करें तो हमें अपनी स्किन केयर को जितना हम लोग इसे मिनिमल रख सकते हैं वो हमारी स्किन के लिए उतना ही बेस्ट होता है, हमारी स्किन बैरियर के लिए. क्योंकि अगर स्किन बैरियर एक दफ़ा इफेक्ट हो जाए तो उससे दोबारा मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल काम होता है. सो इसलिए ट्राई करें कि ज़्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ना यूज़ करें और जितना हो सके मिनिमल स्किन केयर पे स्टिक रहें. अगर तो हम लोग यहाँ पे बात करें, हमें बेसिकली सिर्फ 4 प्रोडक्ट्स की अपने स्किन केयर में ज़रूरत होती है. अगर सबसे पहले बात की जाए वो हमारे पास कोई भी अच्छा सा क्लेंसर,
जेंटल हो सकता है, फॉर्मिंग हो सकता है, डिपेंड ऑन योर स्किन टाइप। सेकेंड पे हमारे पास मॉइस्चराइजर होता है। थर्डली हमारे पास कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट जो आप जिस चीज़ को आप ट्रीट करना चाहते हैं, लाइक इफ़ यू हैव हाइपर पिगमेंटेशन यू कैन यूज़ विटामिन सी एज वेल। एंड विटामिन सी को तो हम लोग ब्राइटनिंग इफेक्ट के लिए भी यूज़ करते हैं। विटामिन सी का कंप्लीट डिटेल्स वीडियो है वो अकाउंट में मेंशन आप लोग दे सकते हैं। अगर तुम लोग यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट है वो है हमारे पास मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र हमारी स्किन टाइप जोन से भी है, वो ऑयली है, ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, सेंसिटिव है। हमारी स्किन को मॉइस्चराइज हर टाइम रहना कंपलसरी होता है फॉर अ गुड। इससे ये होता है कि अगर हमारी स्किन अच्छे से मॉइस्चराइज होते हैं ना, तो हमारे पिगमेंटेशन, रिंकल्स, फ्रेकिंग, इन सब चीज़ों से हमारी जो स्किन होती है ना वो प्रोटेक्ट रहती है। यहाँ पर जो मेरे पास मॉइस्चराइज़र था वो था सेरावे का, और ये जो मॉइस्चराइज़र है ना ये नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए, लेकिन जैसे कि मौसम चेंज हो रहा है, माई स्किन कंडीशन इज़ आल्सो चेंजिंग, तो मैं इस मॉइस्चराइज़र को अपनी स्किन में यूज़ कर रही हूँ। और इसका बेस्ट पॉइंट ये है कि इट कम्स विथ 3 एसेंशियल्स। इसके अंदर आपको मिलता है सेरामाइड्स, हाइलुरोनिक एसिड एंड नायसिनामाइड भी होता है इसके अंदर, तो आपको इसे डिफरेंट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। और बेस्ट पार्ट ये है कि ये बहुत ईजिली आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। यू कैन सी यहाँ पे ये बहुत ईजिली एब्जॉर्ब होगा। द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस मॉइस्चराइजर इज डैट कि ये अगर आपकी ऑयली स्किन है, कॉम्बो है, और ड्राई स्किन है, सेंसिटिव स्किन है, दिस विल गोज बेस्ट फॉर यू। क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है, आजकल मौसम चेंज हो रहा है तो कुछ कंडीशन थोड़ी सी चेंज है, बट ये मेरी स्किन पर सूट कर रहा है अभी तक। सो मैं ये आप लोगों को रिकमेंड करूँगी। अगर आप लोग ये नहीं बाय करना चाहते तो इनका अल्टरनेटिव्स भी आई विल शेयर कि अगर आप ज़्यादा एक्सपेंसिव साइड पे नहीं जाना चाहते तो आप लोग नॉर्मली रेंज में भी बाय कर सकते हैं। अगर तो आप एक दफ़ा स्किन केयर पे इन्वेस्ट करेंगे ना, तो ये पर काफ़ी लंबा अर्सा गुजर जाता है आपका इन प्रोडक्ट्स के साथ। अगर ये प्रोडक्ट की बात करूँ तो ये ऑलमोस्ट एक साल के लिए इसकी एक्सपायरी थी, और ये आपका 6 से 7 महीने तो ईजिली गुजार ही सकता है। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे सेकेंड प्रोडक्ट की बात करें तो वो था हमारे पास क्लेंसर या फेस वॉश, कोई भी अच्छा सा फेस वॉश जो आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग हो। यहाँ पे मेरे पास था नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए सेरावे वालों का, इट्स प्रोटेक्टिव स्किन बैरियर है, आपकी स्किन बैरियर को प्रोटेक्ट करता है और एक्सेसिव ऑयल को रिमूव आउट करता है। एंड इट कम्स विद 3 एसेंशियल सेरामाइड्स लाइक हाइलुरोनिक एसिड एंड नायसिनामाइड। फ्रेगरेंस फ्री था, बेस्ट पार्ट है। ट्राई करें हमेशा जो भी स्किन केयर का प्रोडक्ट इस्तेमाल करें वो फ्रेगरेंस फ्री ही यूज़ करें। ऑयली स्किन के लिए फॉर्मिंग क्लींसर्स बहुत बेस्ट होते हैं, बट अगर तो आपकी स्किन ड्राई है तो आप लोग क्रीम क्लींसर्स या जो क्रीमी टेक्सचर्स में क्लींसर्स होते हैं ना, आप लोग उनके साथ भी जा सकते हैं। वो अच्छा वर्क करेंगे आपकी स्किन के लिए। सेंसिटिव स्किन वाले भी हाइड्रेटेड क्लींसर्स को ही प्रेफर करें। अगर हम इस प्रोडक्ट की पैकेजिंग की बात करें तो इट कम्स विद अ पंप जो इजीली आप ओपन करें, एंड इट कम्स आउट। ट्रांसपेरेंट टेक्सचर था इसका, जैसे आप लोग देख सकते हैं। आप लोग इससे वाटर के साथ थोड़ा सा इमल्सिफाई करें एंड देन यू कैन अप्लाई इट एंड वॉश योर फेस आफ्टर 1 मिनट, दिस इज़ क्वाइट इनफ। अब हम लोग अगर सेकेंडली बात थर्डली अगर हम लोग अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ मूव ऑन करें तो वो हमारे पास है एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनको हम लोग अपनी स्किन के कंडीशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं। लाइक इफ समवन हैज़ एक्नी एंड हाइपर पिगमेंटेशन, सन टैन, तो वो उस लिहाज से फेसिंग ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, तो उस लिहाज से ही अपने स्किन केयर में ऐड कर देगा। लाइक अगर ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स की बात करें जिनको ट्रीट करने के लिए हम लोग सैलिसिलिक एसिड को यूज़ करते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन और डलनेस को ट्रीट करने के लिए हम लोग विटामिन सी और रेटिनॉल का यूसेज करते हैं। बट ये दोनों कंबाइन यूज़ नहीं होता, ये डिफरेंटली यूज़ होते हैं। मीन कि अगर आप लोग विटामिन सी यूज़ कर रहे हैं तो आप लोग उसके साथ रेटिनॉल का यूसेज नहीं कर सकते। अगर आप लोग विटामिन सी सुबह अप्लाई कर सकते हैं और रेटिनॉल को रात में। रेटिनॉल की मिकदार को हमेशा आप लोग कम से स्टार्ट करें, लाइक मिनिमल अमाउंट से मैक्सिमम तक जाएँ, और ये जितना आप लोग 0.05 से स्टार्ट करें उतना ही आपकी स्किन के लिए ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि आपकी स्किन अभी यूज टू नहीं होता। जब यूज टू होता है देन यू कैन इंक्रीज द कंसंट्रेशन, खैर वो एक अलग बात है। बट विटामिन एक्टिव इंग्रेडिएंट के बाद अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हमारे पास आता है सन ब्लॉक का दिन टाइम इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट को यूज़ कर रहे हैं और आप सन ब्लॉक को यूज़ नहीं कर रहे तो आप यकीन करें कि आप अपना टाइम भी
टाइम के साथ साथ आप अपनी मनी भी वेस्ट करें और अपनी स्ट्रगल भी वेस्ट करें, क्योंकि सनब्लॉक के ऊपर इन्वेस्ट करना मस्ट है किसी भी स्किन केयर को ट्रीट करने के लिए। यहाँ पे जो मेरे पास सनस्क्रीन था वो सोलारिस का सनस्क्रीन था और ये ऑयल स्किन के लिए, और ये एक जेल बेस सनस्क्रीन है। आप लोग फिजिकल सनस्क्रीन के साथ भी जा सकते हैं जो कि वाइट कास्ट छोड़ते हैं, बट मुझे वो नहीं पसंद और मेरी ऑयली स्किन है और मैं वैसे भी जेल बेस्ड ही यूज़ करती हूँ। तो इसके अलावा आप अपने स्किन टाइप के लिहाज से अपना सन ब्लॉक परचेज कर सकते हैं। सो दिस इज़ द ऑल अबाउट द टूडेज़ वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। ये ईजीली एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन में, इसका बेस्ट पॉइंट ये, और ये आपकी स्किन को ना ज़्यादा ऑयली नहीं लुक देता। इसके अलावा मैंने कुछ प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए थे, आई मीन सन ब्लॉक ऑर्डर किए थे, मैं वो भी आपको शो करूँगी जब वो आएंगे, उनकी अनबॉक्सिंग भी आपके साथ करूँगी। उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इस चीज़ से रिलेटेड हो, लाइक स्किन टाइप्स या स्किन कंडीशन से, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करिएगा। आई ऑलवेज वेट फॉर योर कमेंट्स। खैर, अगर तो आपको किसी भी प्रोडक्ट की डिटेल वीडियो चाहिए तो आप लोग वो भी कमेंट में आप उस प्रोडक्ट को मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। बाय बाय।